नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट के चौथे संस्करण का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने एक्सपो री इन्वेस्ट को किया संबोधित, कहा हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवा किसानों को मिलेगा विदेश में प्रशिक्षण। 25 सितंबर तक राज किसान साथी पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हमारा संकल्प नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बने राजस्थान। आज गुजरात के गांधीनगर में माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की गरिमा में उपस्थिति में इन्वेस्ट इनोवेट एंड इंस्पायर थीम पर आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण में सम्मिलित होकर सम्मानित जनों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आगे लिखा, इस अवसर पर राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय प्रगति, महत्वाकांक्षी भावी योजनाओं, आकर्षक निवेश के अवसरों और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने, अत्याधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों को अपनाने, ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सुदृढ़ उद्देश्य है कि राजस्थान न केवल ऊर्जा उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर बने, बल्कि देश के अन्य भागों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 17 अन्य स्थानों को मॉडल सौर शहरों के रूप में विकसित करने पर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हम हर घर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की हमारी व्यापक योजना में मील का पत्थर है। दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये रिजल्ट अपने आप अद्भुत है। एक छोटा परिवार जिसकी महीने में 250 यूनिट बिजली की खपत है और जो 100 यूनिट बिजली पैदा करके ग्रिड में बेच रहा है, उसे साल में करीब करीब 25,000 रुपए की कुल बचत होगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। ग्रीन जॉब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्यघर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आज नई दिल्ली में करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की तथा उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद व सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कांटल के पास भीषण सड़क दुर्घटना में नागरिकों की मृत्यु और करीब एक दर्जन से अधिक नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें संरक्षित रखती है, इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन को क्षति से बचाना हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य और दायित्व है। आइए विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर ओजोन परत के संरक्षण के लिए जन जन में जागरूकता फैलाने का संकल्प लें। बढ़ते आगे, आने वाले 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के सिलसिले में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर का दौरा करेगा। उद्योग और वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल 17 से 19 सितंबर के बीच दोनों देशों के कई गणमान्य नागरिकों, व्यापार जगत के अधिकारियों से मुलाकात करेगा और उन्हें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। इसके अलावा यह प्रतिनिधि मंडल खाड़ी देशों के निवेशकों को इस साल दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेगा। इस दौरान यह प्रतिनिधि मंडल दुबई, यूएई और दोहा कतर में दो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स रोड शो में भी भाग लेगा। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व वाला यह प्रतिनिधि मंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कई कंपनियों, इन्वेस्टमेंट फंड और इंडस्ट्री चैम्बर्स के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। जिन कंपनियों से ये प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला है उनमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, लुलू इंटरनेशनल, डीपी वर्ल्ड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट काउंसिल, मुबाडला इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसी कई कंपनियां और संस्थाएं शामिल हैं। प्रदेश के 100 युवा और प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में निरंतर फैसले ले रही राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं और उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और कम लागत से अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले युवा प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र के जरिए राज किसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए युवा कृषक कृषि उद्यान या पशुपालन विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में चयनित 100 युवा किसानों में से 80 कृषि क्षेत्र से होंगे और 20 डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र से होंगे। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले कृषकों की उम्र 55 वर्ष से कम हो, साथ ही उनके पास वैध पासपोर्ट होना जरूरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल तिजारा के विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन आकोली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरका के खेल मैदान, अपूर्ण बरामदा निर्माण कार्य, प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग, परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण, मोटरसाइकिल स्टैंड निर्माण, स्टेट टीन शेड निर्माण कार्यों का उद्घाटन और उप स्वास्थ्य केंद्र मीरका का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने मीरका में स्थित श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मंत्री श्री यादव ने कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरका में 2 कमरे और ई लाइब्रेरी बनवाने की घोषणा भी की और विद्यालय से पढ़ाई में अव्वल और नेशनल स्तर पर खेल रहे हैंडबॉल खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।